अच्छे मन का लक्षण क्या है? अच्छे मन का क्या लक्षण है? यही है, काम की बातों को याद रखना और बेकाम की बातों को भूल जाना। हम लोग उल्टा करते हैं, काम की बातों को तो भूल जाते हैं और बेकाम की बातों को याद रखते हैं। जैसे मैंने कहा, आप लोग में से कई लोग थे जो पिछले साल के सत्संग में थे, या फिर कहीं ना कहीं तो कभी किसी संत के विचार सुने होंगे, कोई अच्छे विचार सुने होंगे, चाहे आपके परिवार या फिर आपके रिश्तेदारी में ही किसी ने अच्छी बात कही हो। वो बातें प्रायः भूल जाते हैं, लेकिन ऐसी बातें भी हैं, वर्षों पुरानी झगड़ा लड़ाई की बात, किसी ने अपमान किया, किसी ने कटु कहा, किसी ने गाली दी, वो बातें भूलती नहीं है, जबकि होना चाहिए उन बातों को भूल जाना चाहिए। क्यों? गलत बातों को याद रख करके किसका भला होगा? गलत बातों को याद रख करके किसका भला होगा? किसी का नहीं होगा, क्योंकि जब जब आप उसको याद करेंगे तब तब आपका मन नाराज होगा, उदास होगा, खिन्न होगा। और कई बार तो बदले का भाव भी जगेगा, बदले का भाव जगेगा। और ये सारी चीजें क्या है? नकारात्मकता, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, नुकसानदायक है। लेकिन हम स्वयं तो मन में लाते हैं बीच बीच में, जब कोई साथी मिल जाए, कोई परिवार का सदस्य मिल जाए, उनको भी दोहराते रहते हैं, जानते हो मेरे को उसने क्या कहा था, उसने मुझे वैसा कहा था, उसने मुझे कटु कहा था, उसने मेरा अपमान किया था जब उनके घर गया था, ऐसा शब्द बोला था। कितने साल हो गए? 2 साल 3 साल 4 4 साल हो गए, और कई कई बार बताते रहते हैं, मतलब उसको फिर से याद करके मजबूत बनाते रहते हैं। किसको मजबूत बनाते हैं? गलत विचारों को, गलत विचारों को बार बार याद करके मजबूत बनाते चलते हैं। और गलत को आप रखे रहेंगे, चाहे वो गलत वस्तु हो उसे रखे रहो, या फिर गलत लोग हों जो अपने साथियों के बीच में साथी हों, गलत लोगों के बीच रहो, सब नुकसान। या फिर आपके ही शरीर में कहीं घाव हो गया हो, फोड़ा हो गया हो, गलत है वो, और उसको आप बचा करके रखो तो नुकसान करेगा ना, नुकसान करेगा। हर गलत चीज नुकसान करती है, और वो नुकसान कर रहा है, जबकि अच्छी चीज़ें फायदेमंद होती हैं, जिसको याद करने से हमारा मन अच्छा होता है, हमारे मन के क्रोध खत्म होते हैं, द्वेष खत्म होते हैं, हमारी गलत आदतें धीरे धीरे छीण होने लगती हैं। कब? जब अच्छी बातों को याद रखते हैं। और जब अच्छी बातों को भूलते हैं तो गलत आदतें और बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए जो बातें कई बार सुन चुके हैं उसे दोहराना है, उसे बार बार याद करना है इसके लिए। और बहुत ही सामान्य सी बातें हुई थी। क्या बातें हुई थी? कहा गया था, देखो आपको जीवन मिला है, हम सबको मिला है जीवन, और इस जीवन को कैसे जीना है ये सीखना है, ये सीखना है। हमें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, खाना पीना भी सिखाया जाता है, चलना फिरना भी सिखाया जाता है,
गाना बजाना भी सिखाया जाता है, बहुत सी बातें सिखाई जाती है, लेकिन कैसे जीना है कितने लोग सिखाते हैं, कितने घरों में सिखाया जाता है, बहुत कम। ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, और इसीलिए सत्संग की ज़रूरत होती है। सत्संग का मतलब ये हुआ एक ऐसा साधन, एक ऐसा औजार जो हमारे जीवन को तरासे, जो हमारे जीवन को संवारे। तरासने और संवारने का मतलब हुआ हमारे जीवन में कोई गड़बड़ी हो गई, कोई गलती हो गई, कोई अवगुण आ गए, उसकी सफाई करना, उसको ठीक करना। लेकिन दूसरी बात भी मैं कहूँ साथ साथ में, दूसरी बात भी कहूँ, सत्संग का लाभ तब मिलेगा जब हम उससे लाभ लेना चाहें। कबीर साहब जी ने कहा है, पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नसाए। कबीर के नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, संत कबीर, और वो गोस्वामी तुलसीदास जी भी से भी पहले के थे, उनसे भी अधिक उम्र के थे वो। सूर और तुलसी से पहले कबीर हुए हैं, मीरा इत्यादि से, वो प्राचीन संतों में से उनका नाम अग्रगणी है। तो मैं कह रहा था, उन्होंने ये पंक्ति कही है, पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नसाए। तीर बहुत नुकीला है, लेकिन पत्थर में मारने से क्या होगा, तीर ही खराब हो जाएगा, पत्थर से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कबीर साहब की और भी पंक्ति है इसको लेकर के, उन्होंने कहा है कि सहस्त्र घड़ा नित उठ जल ढारे फिर सूखे का सूखा। सहस्त्र घड़ा नित उठ जल ढारे फिर सूखे का सूखा, पानी माही अग्नि को अंकर अंकुर जरद बुझावे पानी। ये पंक्ति आई है, क्या कह रहे हैं साहब का कहना है, एक पत्थर आप अपने दरवाजे पर रख लें और रोज उसमें पानी डालें, रोज 100 घड़ा पानी डालें और 10 साल तक डालते रहें, उसके बाद थोड़ा पत्थर को दबा करके उंगली में देखो कुछ मुलायम हुआ है कि नहीं हुआ है, होगा नहीं होगा, नहीं होगा। फायदा कब करेगा, फायदा तब होता है जब पानी को सोखने की क्षमता हो। ऐसे ही जो विचार सत्संग में दिए जाते हैं उस विचार को ग्रहण करें और ग्रहण करके जीवन में बदलाव लाएं तो फायदेमंद होता है। तो मैं कह रहा था जीवन को जैसे तैसे जीना, बेतरतीब जीना या केवल जीते ही रहना, ये पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। जीवन जीना है तो व्यवस्थित जिए, कायदे से जिए, कहना चाहिए सुधरा हुआ जीवन। सत्संग क्या करता है, जीवन सुधार की बातें बताता है। यहाँ सत्संग में आओगे तो किसी महापुरुष की जीवनी नहीं बताएंगे, जैसे आप लोग प्रायः सुने होंगे राम कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, पुराण की कथा सुनते हैं, बहुत से पुराण हैं, चाहे वो देवी भागवत हो, चाहे ब्रह्म पुराण हो, ब्रह्म व्यवर्त पुराण हो, या फिर और भी शिव पुराण हो, विष्णु पुराण हो, तो उन पुराणों की कथा जब होती है तो उन जो पुराने जो लोग थे, चाहे उनको आप देवी देवता कहें चाहे ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहें, उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है। ये तो होता है, क्या हुआ वो जन्म वहाँ लिए, फिर उनके साथ में वो किसके साथ खेले कूदे, फिर किसके साथ विवाह हुआ, अच्छा विवाह के बाद क्या क्या हुआ, फिर किससे लड़ाई झगड़ा, फिर क्या हुआ, ये सारी बातें आप सुनते हैं। लेकिन सत्संग में, सत्संग में आपके जीवन की कथा बताई जाती है, आपका जीवन कैसे हो,
आपका जीवन कैसे हो, आप जीवन को कैसे सुंदर तरीके से जिए, और जीवन में जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम सुंदर आए, क्योंकि जीना तो आपको है, जीना तो आपको है न, तो जी हमारे जीवन को जीने के लिए न बुद्ध आएगा, न महावीर, न कबीर, न राम, न कृष्ण, न ईसा, न मोहम्मद, कोई थोड़ी आएगा हमारे जीवन को जीने के लिए। हमारे जीवन को जीने के लिए हमें ही जीना है, सबको अपना अपना जीवन जीना है। तो क्या करना है, अपने जीवन को ज़्यादा समझना है, अपने जीवन के बारे में ज़्यादा जानना है। क्यों, जो रिजल्ट आएगा उसको मुझे ही भोगना है। जीवन में जो परिणाम आएगा, जो कुछ भी मैं महसूस करूँगा वो मुझे, तो फिर क्या करना है, समझ पूर्वक सुधार पूर्वक करें। आप कल्पना करिए, मैं बिल्कुल सरल उदाहरण बताता हूँ, सबके समझ में आए। एक है सुधरा हुआ जीवन और दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन, कौन अच्छा लगेगा? सुधरा हुआ जीवन, मैं इसके लिए उदाहरण दिया करता हूँ प्रायः, जैसे कोई है भाई और बाथरूम से निकला स्नान करके, इतने में फोन आ गया, जरूरी है जल्दी आओ, तो जो कपड़ा पहन लिया थोड़ा जल्दी जल्दी में और निकलने लगा। तो घर में कोई हो, चाहे वो माँ हो, पिता हो, पत्नी, कोई भी हो, क्या कहेगा, अरे बाल तो संवार ले, बोलेंगे ना, बिखरे हुआ बाल, बिखरा हुआ है उखड़ा उखड़ा बाल, जिसमें न तेल है न कंघी है और निकल रहा है, तो घर वाले क्या कहेंगे, जरा बाल तो संवार ले। तो उसको लगा, अरे हाँ बाल संवारना है। अब आप देखिए, एक है बिना संवारा हुआ संवारे हुए बाल और दूसरा है संवारे हुए बाल, कंघी किया हुआ बाल, कौन सुंदर लगेगा? सभी समझ रहे हैं, सही है ना, कौन सुंदर लगेगा, जिसमें तेल और कंघी किए गए हैं वो सुंदर लगते हैं, बाल तो वही हैं। मैं एक दूसरा उदाहरण दूं, जैसे कपड़े आप लोग सुखाते हैं अपने घरों में और धूप में सारे कपड़े डाल दिए, घर में छोटे बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्गों के, महिलाओं के, सबके कपड़े एक साथ डाल दिए, सूख गए। हो सकता है आजकल तो वॉशिंग मशीन भी होती है, उसमें कपड़े धो लेते हैं, या फिर आप मैन्युअली आपने धो करके उसको कपड़े डाल दिए, कपड़े सूख गए, और गए और जा करके सारे कपड़ों को रस्सी से खींच लाए और ला करके उसको अलमारी में ठूंस दिए, बिल्कुल एकदम जिसे ऐसे ठूंस देते हैं ना, वैसे ठूंस दिए सारे कपड़ों को एक साथ में। अब दो दिन के बाद में नंबर आए कपड़े पहनने का, अब उसी में से कपड़े निकाले और पहने, कैसा लगेगा कपड़ा, अच्छा लगेगा नहीं ना, सब समझ रहे हैं ना, क्योंकि सिकन से भरा हुआ जिसमें पूरे ऊपर से नीचे तक सलवटे हैं, आपको उस कपड़े को पहन करके अच्छा महसूस नहीं होगा, आपको आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, ऊर्जावान महसूस नहीं करेंगे। लेकिन आप कपड़ों को उतार करके लाए और सभी कपड़ों को सुंदर प्रेस किए, आयरन किए और उसको बिल्कुल सिस्टम से फोल्ड किए, तह बाई तह ऐसे ऐसे, और कपड़ों के ढंग से प्रकार के अलग अलग रख दिए, ये छोटे बच्चों का है, ये है, वो है, ये बुशर्ट है, ये है, सबको अलग अलग रख दिए अलमारी में। देखिए आपकी अलमारी वही है, कपड़े वही हैं, सब कुछ वही है, आप भी वही हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें सुधार का काम कर दिए, थोड़ा निश्चित रूप से अतिरिक्त मेहनत तो लगी, लेकिन फिर उस कपड़े को निकाल करके पहनेंगे तब कैसा लगेगा, ये तो समझ में रहे ना अंतर, बस यही बात है। जीवन के संबंध में भी इसी प्रकार समझ लें, ऊबड़ खाबड़ कोई जीवन जिए, कुछ भी खा पी रहे हैं, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, न तो उनको सोने जागने का समय है, न खाने पीने का समय है, न लोगों से मिलने जुलने का समय है, जब आ जाए घर
चाहे वो 9 बजे घर में आए, चाहे 10 बजे आए, चाहे 11 बजे आए, कब सो रहे हैं कोई ठिकाना नहीं, कब उठ रहे हैं कोई ठिकाना नहीं, वो कैसा जीवन है। समझ रहे हैं इस चीज को, बिल्कुल सरल है ये। आप अपने जीवन पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपके जीवन पर दूसरा कैसे ध्यान देगा। घर वाले देते हैं, समझाने का कई बार प्रयास भी करते हैं, मित्र लोग भी समझाने का प्रयास करते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार तो समझाते हैं तो उनके जो हित की बातें होती है कई बार हमें चिढ़ हो जाती है, हम नाराज हो जाते हैं, बड़ा उपदेश देने वाला आया, बड़ा सीख देने वाले आया, आप अपना देखो, बोलते हैं ना, तू तेरा देख। मैंने देखा एक जगह लिखा हुआ ट्रक के पीछे कहीं पर लिखा था, तू तेरा देख। मैंने कहा ये बात तो सही है भाई, मुझे अपना देखना है, हम सबको अपना अपना देखना है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब बड़े बुजुर्ग समझा रहे हों, मित्र लोग समझा रहे हों, गुरुजन समझा रहे हों, और आपके भीतर वो जाए ही ना, तो फिर कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा। फिर वो भी समझाना छोड़ो ना, जीवन उनका है, मैं क्या करूं। कई बार कहते हैं ना, चाहे अपने बच्चे हों, चाहे पिता ही क्यों ना हो, पिता ही कई बार गड़बड़ करने लग जाता है, तो फिर कहते हैं अरे यार तू अपने पिता को समझाता क्यों नहीं। अरे मैं 100 बार समझा लिया, मानता ही नहीं है, ऐसा कहीं कहीं सुनने को पाए होंगे आप लोग, सही है ना। अपने ही घर वालों को या कहेंगे अरे यार तू उनके साथ घूमता फिरता है, अपने मित्र को समझाता क्यों नहीं, ऐसा ऐसा करता है। अरे भैया मैं तो कितनी बार, सैकड़ों बार समझाया, वो मानने को तैयार ही नहीं है, क्या बोलूँ उसको, बार बार बोलने से क्या फ़ायदा है, कौन दुश्मनी मोल ले, ऐसा भी कहते सुने होंगे। जैसे आप दर्पण के सामने जाते हैं तो दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, और कहीं चेहरे में कोई दाग हो, आँख इत्यादि में कोई गंदगी हो तो फौरन उसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया चेहरा देख करके, दर्पण देख करके। ऐसे ही सत्संग भी एक दर्पण कक्ष है, जहाँ पर हम अपना बाहर का चेहरा नहीं, भीतर का चेहरा देखते हैं, आंतरिक रूप, अंदर से हम कैसे हैं। देखिए बाहर से सुंदर दिखने वाले लोगों का भी अंदर कालापन होता है, मैला होता है, मैला होता है। जो बाहर से सभ्य दिखने वाले भी कई ऐसे लोग होते हैं, असभ्यतापूर्ण व्यवहार करते हैं। आवश्यकता क्या है, जो बाहर से संपन्न दिख रहा हो। ऐसा भी होता है कि कई बाहर से संपन्न दिखने वाले भीतर से विपन्न होते हैं, बाहर से सुंदर दिखने वाले कई लोग क्रूप होते हैं भीतर से। सत्संग बताता है आप अंतस ठीक करो, अंदर ठीक करो, अंदर भीतर ठीक करो, क्योंकि अंदर जो मैल है ना वो जीवन को बर्बाद कर देता है। देखो चेहरे में कोई मैल हो, चेहरे में कोई दाग हो, वो तो उसका भी साफ होना अच्छा है, लेकिन कदाचित न भी हो किसी कारण से, लेकिन भीतर न रहे। आप देखिए हर जगह स्वच्छता अच्छी लगती है, आपका घर स्वच्छ हो तो अच्छा लगता है, आपके कपड़े साफ हो तो अच्छे लगते हैं, आपके बर्तन साफ हो तो ही अच्छे लगते हैं, हर चीज़ कपड़े साफ, बर्तन साफ, घर साफ, शरीर साफ, और दिल, दिल कैसा होना चाहिए, मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा साफ, सही है ना। मैंने पढ़ा कि कहीं एक ऑटोमोबाइल की जगह पर एक बोर्ड में लिखा था कि स्वच्छ ईंधन शक्ति देता है, आपकी गाड़ी का इंजन साफ हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, और एक गाड़ी जिसमें कचड़े हों बहुत सारे, उसमें कौन अच्छा, कौन गाड़ी अच्छी चलेगी, स्वच्छ इंजन, सही है ना।
ये बात जीवन के लिए भी लागू होती है, ये बात जीवन के लिए भी लागू होती है। तो भीतर की पवित्रता ये, अच्छा हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हमसे गलतियां हो रही हैं, तो कबीर साहब ने बातें कही भी है, परखत खरी पर खावत खोटी। हमें क्या लगता है, मैं जो करता हूँ अच्छा करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ, मेरे खान पान बिल्कुल सही है, मेरा जीवन बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब पता चलता है? मैं बताता हूँ। जैसे एक आदमी गंदा कपड़ा पहना हो, बहुत गंदा भी तो नहीं है लेकिन फिर भी है, तो अच्छा उसमें कई लोग हैं वैसे गंदे कपड़े, पता नहीं चलेगा, लेकिन कब होगा? एकदम साफ सुथरा कपड़ा पहना हो, उसके बीच चला जाएगा तब कैसा लगेगा? अरे भाई ये तो गड़बड़ है, लगेगा ना ये ठीक नहीं है, उसको संकोच होगा। एक जिसका खान पान गलत है, एक बहुत ही व्यसन मुक्त बहुत संयमी व्यक्ति के पास चला गया तो उनको संकोच होता है। हम लोग के आश्रमों में बहुत कम जगह ऐसा कहीं लिख दिया कि धूम्रपान नहीं करना है, शायद उसको देख भी नहीं पाते हैं, या कई बार तो हम लोग कार्यक्रमों में इस चीज़ को कहते भी नहीं हैं कि भाई यहाँ आकर के आप लोग धूम्रपान नहीं करेंगे या कोई व्यसन नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद उस आश्रम परिसर में आकर के भी प्रायः देखा गया, बहुत कम जो बहुत ही नया हो न समझता हो वही शायद कभी तम्बाकू मल लेगा, लेकिन ज़्यादातर देखेंगे वो बीड़ी भी नहीं पीता है, गुटखा भी नहीं खाता है, क्योंकि उनको लगता है यहाँ तो कोई नहीं खा रहा है, यहाँ तो कोई नहीं पी रहा है, तो उनको भी लगता है नहीं मुझे ऐसा करना है। मतलब जब आप अच्छे लोगों के बीच चले जाते हैं तो आपको अपनी कमियां दिखने लगती है, जैसे मैंने कहा ना दर्पण उदाहरण दिया, कमियां दिखने लगती है, और वो एक संकेत है, किसी संत के पास चले गए आपको लगेगा नहीं मुझे ऐसा होना है। ये प्रेरणा है, सत्संग व्यक्ति को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, किसके लिए? आत्मोत्थान के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को बढ़िया करने के लिए। और केवल आपका जब जीवन बढ़िया होता है तो आपके परिवार के साथ व्यवहार अच्छा होने लगता है, समाज में प्रतिष्ठा होने लग जाती है। देखिए समाज की प्रतिष्ठा तो सेकंड नंबर की है, ना हो प्रतिष्ठा आप तो सुखी रहेंगे, और आपके संपर्क में आने वाले लोग आपका अच्छे उससे गुण ग्रहण करेंगे, क्योंकि अच्छे लोगों के पास रहना हम पसंद करते हैं, पसंद करते हैं। और इसीलिए आप लोग कभी कभी किसी संत आश्रम में या कभी आप तीर्थों में भी गए होंगे कि वहाँ एक तपस्वी संत रहते हैं, वहाँ एक बहुत अच्छे संत हैं, आप कहेंगे मैं भी मिलने जाऊँ, मैं भी मिलने जाऊँ। क्यों जाते हैं उनके पास में? जब उनके पास जाते हैं हो सकता है वो उस समय मौन ही हो, न उपदेश कर रहे हों, लेकिन वहाँ जाकर के भी आप यदि कुछ मिनट बिता दिए उनके साथ में और जब लौट के आते तो कहते यहाँ आकर के बड़ी शांति मिली, यहाँ आकर के बड़ा सुकून मिला, क्योंकि उस तपस्वी संत के रहने से आसपास का एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया है, वहाँ के वातावरण ही बदला हुआ है, और उस वातावरण में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपका भी आपको भी सुकून मिलने लगता है, आपको भी कुछ अलग से फीलिंग होने लगती है। इसका उल्टा भी सच है, जहाँ पर गलत लोग होते हैं, जहाँ पर हत्या करने वाले चोरी बहुत सारे गलत कर्म करने वाले हैं, ऐसे स्थलों में जाएंगे तो आपके अंदर में नकारात्मकता फीलिंग होने लग जाएगी, ये स्वाभाविक सी बातें होती है। इसलिए ये ध्यान रखना है, क्या कहा मैं कि जब ऐसे लोग मिलते हैं तब हमारे अपने कमजोरी हमें महसूस होती है, गलतियां महसूस होती है, लेकिन तब है उस गलती को छोड़ने का संकल्प लें, उसके लिए कदम बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आपका भी जीवन बदलेगा,
आपका भी जीवन बदलेगा और आप भी एक अच्छा जीवन जीने के पथ पर चल लेंगे और निश्चित रूप से आपके जीवन में आनंद का अनुभव होने लगेगा। मैं ये कह रहा था कि सत्संग हमें सिखाता है, हमें प्रेरित करता है। सत्संग का मतलब है, सत्संग में केवल विचार देते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ संत लोग बोल रहे थे, मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो भजन के रूप में हो, चाहे वो प्रवचन के रूप में हो, क्या दिया जा रहा है? विचार, बस विचार दिया जा रहा है। वो विचार क्या है? वो विचार हमारे मन की खुराक है। जैसे शरीर की खुराक, जैसे शरीर की खुराक चावल दाल सब्जी रोटी और भी चीज़ें खाते रहते हैं, फ्रूट्स इत्यादि, वो क्या है? शरीर की खुराक है। ऐसे ही हमारी अंतरात्मा की खुराक, वो क्या है? अच्छे विचार, अच्छे विचार। जब शरीर में भोजन न डालो तो शरीर कमज़ोर हो जाता है ना? और यदि कहीं भोजन के नाम पर आप सड़ा गला अन्न डाल दिए, सड़े हुए फल को डाल दिए, गलत भोजन डालेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। यही है, विचार तो आप लेते हैं लेकिन यह देखो वो सही विचार है कि नहीं है। यदि आप गलत विचारों को ग्रहण कर लेंगे तो आपकी मानसिकता बिगड़ जाएगी। आप सोचो, जहाँ पर बैठ करके लोग निंदा चुगली और गलत योजना बना रहे हो, कोई चोरी की योजना बना रहा हो, कोई हत्या की, और ऐसे विचारों को आप सुनेंगे और वो आपके भीतर चला गया, तो भीतर चला गया तो क्या होगा? जो आपके चित्त का विषय होता है वह आपके चिंतन का विषय होता है कि जो भीतर गया है उसको बार बार सोचेंगे सोचेंगे। और जब गलत बातों को सोचेंगे आप अच्छा महसूस नहीं कर सकते, अच्छा महसूस नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना है? अच्छे विचारों को ग्रहण करना है। अच्छे विचारों का मतलब जो हमारे जीवन को बदलने के लिए प्रेरित करे, जो हमारे सुख शांति को पाने के लिए प्रेरित करे, जो पारिवारिक रिश्तों में मधुरता लाने के लिए प्रेरित करे, हमारे स्वास्थ्य को सुंदर बनाने के लिए प्रेरित करे, वो अच्छे विचार हैं, वे अच्छे विचार हैं। ऐसे विचारों को सुनना, आजकल तो क्या कहा जाए, टीवी तो अब बहुत दूर हो गई है, टीवी तो बहुत दूर हो गई है, और टीवी को तो आप कभी कभी देखते हैं, लेकिन एक महा टीवी तो आपके हाथ में है, सही है ना? आपके हाथ में है, और घर का टीवी तो बंद करके सो जाएंगे, और जब आप अपने कमरे में बिस्तर पर चले गए तब हर समय आने भाई, हर समय आने। अब उससे आप कचरा भीतर डाल रहे हैं या फूल डाल रहे हैं, यह आप पर निर्भर करता है। और मैं सच बताऊं, बहुत से लोग हैं जो कचरा ही डालते हैं। मैं निवेदन करता हूं, आपका नंबर उसमें नहीं होना चाहिए। आपको क्या डालना है? पवित्रता, पवित्रता, निर्मलता का, निर्मलता को अंदर डालोगे, अच्छे विचारों को अंदर डालोगे तो जीवन को अच्छा बनाता चला जाएगा। गलत विचारों को डालोगे तो जीवन को बर्बाद करता चला जाए। और इसीलिए सदगुरु कबीर की ये पंक्ति, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि, संगत से सुख उपजय कुसंगत से दुख होय, कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होय। ये दो साखियाँ कबीर की बहुत प्रसिद्ध है। क्या कहते हैं? संगत कीजय साधु की, साधु की संगत करो। अब एक चीज़ और बता दूँ, साधु का मतलब केवल साधु का कपड़ा ही पहना हो वही साधु है? कहाँ तक खोजने जाओगे साधु को? संकेत है, वैसे संत मिले बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखेंगे आसपास में भी, चाहे आपके वो घर के सदस्य हों, आपके रिश्तेदारी में कोई हो, आपके मित्रों में से कोई हो, आपके गांव में भी कोई हो जहां रहते हो, ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो लोगों के हित की चर्चा करते हैं। ऐसा उनका विचार होता है, ऐसा उनका काम होता है कि लोगों का भला हो।
चाहे वो उनके साथ में, चाहे उनके घरवाले मिले, हित की बात बताएंगे, खान पान सुधार की बात बताएंगे, आपस के प्रेम करने की बात बताएंगे, चाहे वो उनके घर के लोग मिले, चाहे बाहर के लोग मिले। स्वयं भी सदाचारी का जीवन जीते हैं, स्वयं का उनका खान पान भी बढ़िया, बोलने चालने का भी ढंग बढ़िया, चरित्र भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। आप, मैं एक चीज़ पूछूं आपसे, क्या आप ऐसे लोगों को जिनके बारे में, यद्यपि उनके पास धन कम है, हो सकता है कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन आप ही नहीं पूरे गांव के लोगों में उनकी प्रतिष्ठा है, ये सदाचारी और ईमानदार व्यक्ति है, ये कभी भी किसी के साथ में धोखा नहीं देता है, हर समय लोगों को हित की बात बताता है, आप क्या चाहेंगे ऐसे लोग हमारे घर आएं? चाहेंगे ना, हमारे घर वालों से बातचीत करें। लेकिन हो सकता है जिनके पास धन ज़्यादा हो और पढ़ा लिखा भी ज़्यादा हो, लेकिन शांत हैं आप, चरित्र भ्रष्ट है, गलत इंसान है, आप क्या चाहेंगे वो मेरे घर ना आए, घर की बहू बेटियों से बात ना करें, यही तो चाहेंगे ना। हर आदमी अच्छे इंसान की खोज में है, आप भी, आप भी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि साधु ही आपके घर में आए, ऐसे लोग आप खोजेंगे तो मिल जाएंगे। गलत लोगों की भी संख्या की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप चाहते क्या हैं, किसकी खोज में निकले हैं आप? आप किसी फूलों की बाग में जाओ, आप यदि फूल चुनने के जाओ तो फूल मिलेंगे, और कांटा चुनने जाओगे तो कांटे भी मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कांटे भी मिलेंगे। महत्वपूर्ण क्या है, आप क्या चुनना चाहते हैं, क्या चुनना चाहते हैं। कांटे मिलेंगे, वहीं मिलेंगे। मैं एक चीज़ बताऊं, उसी पौधे पर मिलेंगे। गुलाब के पौधे जानते हैं आप लोग, उस पौधे में, एक ही पौधे में कांटा भी है, फूल भी है, एक ही गांव में, एक ही लोग देखेंगे। आपकी मित्र मंडली ऐसे हैं जहां कांटे बोने, कांटे देने वाले भी हैं, कांटों की तरह चुभाने वाले भी हैं, दर्द देने वाले हैं, और फूल की तरह सुगंधि देने वाले हैं, सुकून देने वाले हैं। आप किसका चुनाव कर रहे हैं, आप पर तो निर्भर करता है। यही तो साहब कह रहे हैं, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। अच्छे लोगों की संगत करते हैं तो आपकी व्याधि, व्याधि कहते हैं पीड़ा, कौन सी पीड़ा, मानसिक पीड़ा। आप उद्वेगित और अशांत हो गए हैं, चाहे वो पारिवारिक कारण हो, व्यक्तिगत कारण हो, या फिर सामाजिक कारण, कोई कारण हो, आप अशांत हैं, संत के पास गए, या कोई अच्छे मित्र हैं जो बहुत अच्छी बात बताते हैं, या अपने परिवार का ही कोई सदस्य हो, रिश्तेदारी हो, गए, वो आपको सांत्वना देगा, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। समय बदलता है, सब बदल जाता, सब परिवर्तनशील है, अच्छे दिन भी नहीं रहते, बुरे दिन भी नहीं रहते हैं, थोड़ा धैर्य की जरूरत है। उद्वेगित हो गए, गलत निर्णय लोगे, नुकसान हो जाएगा, और ऐसी ऐसी बातें कहेगा कि आपका उद्वेग धीरे 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 शांत होता चला जाएगा। चाहे वो पति पत्नी की लड़ाई क्यों ना हो, आप उब गए, लड़ते लड़ाई हो गई पति और पत्नी से, चाहे वो पति जाकर किसी से कहे, पत्नी जाकर, या पिता पुत्र में ही लड़ाई हो गई। कल्पना करिए, एक बेटा को, बेटे को उसके पिता ने डांटा, डांटा जोर से। अब वो अपने एक मित्र के पास जाकर कहा कि मेरे पिता ने आज मुझे बहुत डांटा है। उसने क्या कहा, अरे और तुम चुपचाप सुनते रह गए, मैं होता तुम्हारी जगह ना, ईंट का जवाब पत्थर से देता। एक बार सहना सीख शुरू कर दोगे, एक बार चुप रह जाओगे, जीवन भर डांटेगा। एक बार ठीक से जवाब दे दो, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। तुम क्या कर रहे हो, भड़काया। समझ रहे क्या कह रहा है, वो क्या प्रेरणा कर रहा है। लेकिन एक दूसरे आदमी, दूसरे बच्चे को भी डांटा उसके पिता ने, वो अपने मित्र के पास जाकर गया, जाकर कहा मेरे पिताजी ने आज मुझे बहुत डांटा है। वो क्या कहता है, कोई बात नहीं, पिता ही तो है ना, पिता ही तो डांटा है। माता पिता कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहते, कोई गलती हो गई होगी इसलिए डांटे। हो सकता है तुमसे लग रहा हो कि तुम गलती नहीं किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो पिता 50 बार प्रेम दिया है तो कभी डांट भी तो सकता है। क्यों डांटते हो, क्यों परेशान होते हो, पिता है,
उनका प्रेम है, उनकी डांट भी उनकी उनका प्रेम है। सहो, शांत रहो, अदब से पास करो, गलती हो गई तो क्षमा मांग लो पिताजी से। दो सीख, समझ रहे हैं ना, दो सीख। दोनों की सीख में अंतर लग रहा है आपको? एक आदमी लड़का जाएगा अपने पिता के साथ कैसे व्यवहार करेगा, और दूसरा जाएगा तो अपने पिता के साथ कैसे व्यवहार करे। किससे आपकी मित्रता है, किससे सलाह ले रहे हैं? महाभारत के अनुसार आप सलाह किससे लेते हैं, कृष्ण से लेते हैं कि शकुनी से लेते हैं? फिर से बता रहा हूं, आप कृष्ण से सलाह लेते हैं। कृष्ण से सलाह किसने ली, सब समझ रहे हैं? शकुनी से सलाह किसने ली, सबको समझ में आ रही ना? सलाह किससे लेते हैं? गलत से सलाह लेंगे तो क्या होगा, शकुनी से सलाह लेंगे क्या होगा, विनाश। और कृष्ण से सलाह लेंगे तब क्या होगा, आपकी रक्षा होगी। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, संगत की जय साधु की हरे और की व्याधि, वो दूसरों की पीड़ा को हर लेते हैं। इसका उल्टा क्या है, ओछी संगत कूर की, क्रूर आदमी गलत आदमी की संगत करोगे आठों पहर उपाधि, हर समय पीड़ा दुख अशांत बना रहेगा। इसलिए संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। सदगुरु कहते हैं, अच्छी संगत से सुख होता है, बुरी संगत से दुख होता है। कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति हो, वहाँ जाओ जहाँ अपनी संगति हो, अपने लोग मिले, अपने रहन सहन वाले मिले, अपने ढंग से खान पान वाले लोग मिले। इसलिए ये भी कहा जाता है, जब किसी के घर बेटी को ब्याहने दो, किसी के घर रिश्ता तय करो, तो ध्यान रखो खान पान कैसा है। आपके घर में कभी अंडा मांस मछली नहीं खाया गया, कभी गलत चीज़ का खान पान के परिपाटी नहीं है, और ऐसे घर तो शादी नहीं कर रहे हो। चाहे वो धन के प्रलोभन में हो या किसी और बात को लेकर के दबाव में आकर के, बेचारी जीवन भर दुखी रहेगी। आप तो छुट्टी पा गए, लेकिन उनके जीवन को आपने नरक में ढकेल दिया, नरक में ढकेल दिया। या फिर बहू भी लाते हो तो सोच समझ करके लाओ, कि ऐसा तो नहीं है कि उनके परिवार के में गलत खान पान है, गलत व्यवहार है, ऐसा है तो फिर वो आपके घर के वातावरण को प्रदूषित कर देगी, बिगाड़ देगी। इसलिए साहब क्या कहते हैं, कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। आप देखो आपका जीवन बहुत अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कि गलत लोगों के साथ करके, गलत रिश्ते में फंस करके आप अपना भी जीवन बर्बाद कर लें। इसलिए वहीं जाओ जहाँ अच्छी संगत हो। सत्संग हमें अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देता है, सुखद जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें सत्संग का आधार लेना है। और मैं समझता हूँ इसी आशा और विश्वास के साथ यहाँ के आयोजक, इस कार्यक्रम के आयोजक हम लोगों को, संतों को बुलाए हैं, और आप सब आए। और आज शाम को अगले दो दिनों में सत्संग होगा, ये तो मैंने शुरुआत की है, और बहुत सारी बातें संतों से सुनेंगे। मुझे जब अवसर मिलेगा मैं भी कुछ निवेदन करूँगा, और आप इन बातों को सुन करके जीवन को बदलने के लिए संकल्प लें। आज इतना ही इस समय। साहेब बोलिए सतगुरु देव की जय।